मैम yeah. या आपका लंच आ जाओ मेरा लंच हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू एवरीवन बेबी रखोगी इधर ही रखते हो चलेगा ओह सो फाइनली आई एम गोइंग टुमारो बेबी वो वो खोल दे बच्चा Cautons. मेरा लंच आ गया है मेरे क्वारंटाइन का समय पूरा हो गया है कोरोना टेस्ट दे दे के थक गई हूँ मैं अभी नहा के निकली हूँ मैं सब लोग कितना एक्साइटेड है मुझे बिग बॉस में देखने के लिए मैं अंदर जाने वाली कल तुम लोग ने खाना खाया बच्चे लोग mm -hmm. खोल दे थोड़ा सा लाइट दे दे शक्ल पे अंदर है मैं बैठी हूँ नीचे किसी की शादी है क्या yeah. चल किसी की शादी में अपन <laughs> खाना खा के आते हैं ऐसा बोलते हैं आप ऐसा बोलते हैं कि हम दूल्हे की तरफ से हैं और दुल्हन वाले पूछे तो बोलेंगे कि दूल्हे की तरफ से दूल्हे वाले, वाले पूछेंगे तो बोलेंगे कि दुल्हन की तरफ से थ्री इडियट्स वाला हाँ 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 देखो इसको देखो इसको देखो मैं, मैं को मत ओहो ओके ओके तुमको मत दिखाओ तुम दिखी नहीं रही हो तुम वाइट वाइट वो दिख रही हो ओके मैं लाइव हूँ हाँ फिर उसके बाद मैं okay. बोलो बोलो। मुझे कॉल टाइम आ गया है हाँ वो पता है हम लोगों को भी आ गया भी आ, बाए। बाए। है साढ़े छह बजे निकलना ही है आपसे विधन आई टेल यू या आई नो प्रियंका भी आई एम लाइव बाय हे भगवान मैंने बाल धोए हैं आज मैंने कभी भी घर में बाल नहीं धोए बताओ पहली बार बाल धोए हैं घर में हमेशा पार्लर धो रही हूँ हाँ पार्लर नहीं 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 मैं क्वारंटाइन भूल कैसे गई मैं क्वारंटाइन में थी घर में सात आठ महीने तो घर में ही बाल धोने पड़ते थे ना बाबा हाँ हाँ धोए मैं कैसे बोल सकती हूँ बाबा वो समय बाबा सात महीना आठ महीना जिंदगी के मेरे कम हो गए मैंने कुछ इन्जॉय ही नहीं किया सात आठ महीना कुछ किया ही नहीं मैंने जिंदगी का और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग हाय हाय हवर यू कल फिर तो मैं हाय यू आर फ्रॉम यूएसए गुड हाय हवर यू थैंक यू हाय हव आर यू फाइन थैंक यू So, मैं अब कल मेरा कॉल टाइम है तो कल से अपन स्टार्ट हो जाएंगी कैसे अपन की अपन का मीटर डाउन हो जाएगा कल से अपन का मीटर डाउन और कल से तुम लोग के एंटरटेनमेंट के लिए अपन सीधा अंदर सो तो आप लोग सब रेडी हो ना भाई अरे रेडी हो कि नहीं सब मेरे को देखने के लिए कल जा रही हूँ कल चमोरो हाँ मेरे बनवास का समय खत्म हुआ क्वारंटाइन बनवास खत्म हुआ सैटरडे से हूँ बताओ मैं सैटरडे फ्राइडे से हाँ सैटरडे हाँ शूटिंग था हाँ बराबर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनजडे थर्सडे अरे बाबा अरे बाबा कितने दिन हो गए बाबा बस लेट ही हुई हूँ लेट लेट के बताओ सैलड मंगाया है मैंने अपने लिए सैलड भूख लग रही है मुझे तो चलो फिर अपनी कल से बिग बॉस की जर्नी शुरू हो जाएगी मेकअप वेकअप करने के बाद आऊं कैसा टॉवल लगा के लेटी हूं मैं यही ठीक है यार पब्लिक तो अपनी दोस्त होती है है ना तो पब्लिक तो अपनी दोस्त होती है यार जनता अपनी दोस्त होती है जनता अपनी दोस्त होती है सो so, ये साइड में क्या वाइट व्हाइट निकल रहा है ये हार्ट है क्या ये इंस्टाग्राम वालों ने रेड हार्ट क्यों नहीं डाला व्हाइट हार्ट क्यों व्हाइट हार्ट क्यों है हार्ट तो रेड कलर के निकलने चाहिए अच्छा नीचे से कोई हार्ट के साथ केला भी दे रहा है ओहो अरे वाह केलापंथी बंद कर तेरी अरे मुझे जाने तो दे बाद में देखेंगे अर्शी को मेरी केलापंथी आती नहीं और तेरी केलापंथी जाती नहीं सब लोग मुझे अंदर वोट करना भर भर के खबर में नहीं ले जाओगे पैसे तुम लोग ऊपर नंगे आए थे और नंगे ही जाना है क्या घंटा बजा के थोड़ी जाएगा नंगा ही तो आया है नंगा ही तो जाएगा तो इतना सारा पैसा क्या खबर में लेके जाओगे मेरे पे खर्च करो थोड़ा एक एक लोगों को पकड़ो आजू बाजू वालों को और मेरे लिए वोट करना तुम लोग ढेर सारे आउट नहीं होनी चाहिए तुम्हारी राखी सावंत कोई बंदा रो रहा है क्यों रो रहा है बाबा अपन का टाइम आएगा अपन का टाइम आएगा अपना टाइम आ गया है अपना अच्छा दिन आ गया है अपन का टाइम आएगा अब अपना दिन अच्छा आ गया है अब ये क्वारटाइन का बनवास अब निकलने वाला है यार क्या जिंदगी है ना जब खाना चाहिए था क्वारंटाइन में घर में तब तो मेरे पास खाना नहीं था जो भी खाना पकाती थी सब जल जाता था बताओ इन सालों को बिग बॉस में ना सबको जला हुआ खाना खिलाऊंगी मैं हाँ भाई मेरे को तुम किचन में शेफ बना रहे हो तो भाई मेरे को जो आता मैं वही बनाऊंगी ना क्या बोलते हो हाँ और क्या Chef, राखी chef, शेफ राखी सावंत द शेफ सेफ सेफ के शेफ के शेफ अरे जो भी है क्या फर्क पड़ता है ऐसे तो स्टार्ट ही होता है ना शेफ बावर्ची बेटर है अपने लिए बावर्ची राखी सावंत आज क्या पकाएगी मैं बनाऊंगी पकौड़े पता नहीं अंदर तेल होगा कि नहीं हाँ तेल तो होगा ये भगवान कौन सी ब्रांड का तेल होगा बिग बॉस के हाउस में मैं तो ऑलिव ऑयल खाती हूँ यार दोस्तों मैं तो आज तक हमेशा ऑलिव ऑयल ही खाया है अब कौन सा तेल देंगे क्या मालूम है देखते हैं हैं अब ये कौन सा ऑयल देते खाना में पूरा उरिया बना देंगे भैया पूरी उरी मेरा बड़ा दिल है कि मैं एक दिन पूरी बनाऊं आटा गर्म पानी में मलने का इतना पता मैं यूट्यूब में भी जाती हूं यूट्यूब में जाऊंगी देखूंगी पूरी कैसे बनती है मुझे लगता है कि पूरी बनाने के लिए अजवाइन चाहिए जीरा चाहिए और सोडा चाहिए नमक चाहिए पूरी बनाने के लिए और क्या चाहिए पूरी बनाने के लिए क्या चाहिए आटा तो चाहिए चाहिए कौन सा आटा चाहिए गेहूं का आटा मैदे का आटा क्या फिर कोई कोई को, 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 कोली फ्लावर बोलते हैं पता नहीं कोली फ्लावर क्या होता है कोली को फ्लावर पता नहीं कौन सा फ्लावर होता है फिर इन सबको मिक्स करने का गर्म पानी में थोड़ा तेल डालने का फिर एकदम आटा मलने का हाथ से अगर हाथ हाथ पे अगर आप हाथ में आपके ताकत नहीं है तो बेकरी में जाके देखो लोग पैर से आटा मलते हैं, हाँ पैर साफ करो सैनिटाइज करो और आटे पे चढ़ जाओ और ऐसा आटा मलो ऐसा आटा मलो ऐसा आटा मलो कि पूरी के लिए एकदम सॉफ्ट हो जाए आटा ट्रस्ट मी फिर जो पूरी मजा आएगा ना पूरी खाने में तुम्हारा जिंदगी भर का करोना दूर हो जाएगा अगले सात सौ साल में तुमको नहीं होगा करोना मेरे हाथ की पूरी खाओगे तुम तो। लेकिन पूरी के लिए आटा एकदम सॉफ्ट चाहिए तो भैया हाथ से तो नहीं पैर से ही मिलना पड़ेगा क्यों जब पाव बनाते हैं तो ये बेकरी में तो ये लोग पैर से ही आटा मिलते भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है अरे भाग भाग क्या कर रहा है तू भाग डी के बोस तू भाग डीके बोस तू भाग आटा नहीं मला क्या कभी पैर से इतना मोटा आटा होता है वो आटा ना पैर से ही मला जाता है आया बड़ा पाव ऐसा थोड़ी सॉफ्ट जितना आटे को पैर से पैर से मलोगे ना उतना ही सॉफ्ट पाव होता है पाव पाव खाया नहीं क्या कभी वड़ा पाव बेकरी का पाव खाया नहीं क्या कभी हाँ मैं खुद अपनी आंखों से देखा मैंने बेकरी में तुम लोग को ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा मैं आप लोग को लाइव लाइव डेमो दिखाऊंगी बिग बॉस में जाके के, के कैसे बनता है पूरी मैं अपने पैरों में पैर सैनिटाइज करके पैरों में मैं शावर क्या पहन लू क्या यार आटे में तेलों का तो मैं फिसल गई तो देखते हैं क्या होता है अरे तुम लोग सब लोग मेरे को वोट करना बाबा मेरा तो कोई नहीं है अपन तो जनता के हवाले है ये मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है बाबा कि कोई मुझे वोट करे तुम लोग सब हो ना यार मैं कोशिश कर रही हूं ट्रॉफी जीतने की फर्स्ट बिग बॉस में आई थी उसके बाद तो कभी हम लोग को चांस ही नहीं मिला तो क्या हुआ सलमान ने बोला हम भी कोशिश कर सकते हैं वाई नॉट यार जब से जागे वहीं से सवे, सवेरा तो हम कोशिश तो पूरी कर सकते हैं भाई हम तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगी तुम लोग मेरे को हेल्प करोगे ना सब लोग हाँ मैं करूंगी थैंक यू यार मेरा खाना अभी ठंडा हो गया मैं बाद में आती हूँ ठीक है बट याद रखना अभी कल से मैं आ रही हूँ सब जगह फैला दो अभी खबर राखी सावंत कल आ रही है ओ बाबा मजा आ जाएगा बाबा लव यू ऑल बाय क्या हो गया